आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। हाय गाइस, आई एम अनिल, वेलकम टू माय चैनल। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी कम एज में ही आंखों की रोशनी जाने लग जाती है, तो उनको चश्मा पहनना पड़ता है। तो ये एक बहुत ही बुरी बात भी होती है, और पढ़े लिखे इंसान है उसके लिए बहुत अच्छी बात भी होती है, लेकिन ये खास करके कम एज में बहुत बुरी बात होती है, क्योंकि इतनी कम एज में अगर आपके चश्मा लग जाता है तो यानी आपकी आंखों की रोशनी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, जिससे आपको लाइफ में बहुत सारी परेशानियाँ आ सकती हैं। इनको कैसे सही किया जाता है एंड इनके होने का रीज़न क्या क्या होता है? इनके होने का रीज़न, आप ठीक से अच्छी खान पान नहीं खाते हो, आप आपकी डाइट को फॉलो नहीं करते हो, आप टीवी या आपके फ़ोन को बहुत ज़्यादा देखते हो, और आप जो स्टडी करते हो वो कम लाइट में स्टडी करते हो, जिससे आपकी आंखों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने लग जाता है, जिसके कारण वो स्लो स्लो रोशनी खोना स्टार्ट कर देती। तो आपको ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे आपकी आंखों की रोशनी तेज़ी से बढ़ जाए? आपको विटामिन ए, विटामिन सी एंड बीटा कैरोटीन का जो आहार रहता है, जिसमें जो विटामिन मिले रहते हैं, आपको उनका सेवन करना चाहिए। और जो भी खट्टे जो फल हैं, जो भी खट्टी चीज़ है, वो आंखों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। अगर आप ये खट्टी चीज़ों का आप सेवन करोगे, आप इनको खाओगे, तो आपकी आंखों की रोशनी मेंटेन रहती है। और जो भी गेहूं से जो भी बनता है, ब्रेड कुछ भी बनता है जो गेहूं का, उसको आपको खाना चाहिए। और जो हरी सब्जियां रहती है ना, आप उनको अच्छे से फॉलो करें। आप हर दिन हफ्ते में 2-3 बार कम से कम हरी सब्जियों का या हरी सब्जी हरे फल इनका सेवन जरूर करें। इनसे आपकी आंखों की जो अंदर की नस रहती है ना, वो स्ट्रांग होती है, और इनमें ब्लड अच्छी तरह से सप्लाई होता है, जिससे आपको चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कम से कम 1-2 हफ्ते में ही चश्मे निकाल के फेंक दोगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, बट कोई इसको यूज़ करेंगे कोई नहीं करेंगे, मछली यानी फिश। अगर आप फिश खाते हो तो आपकी आंखों की रोशनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ रहती है, और सामने वाला कितनी भी दूर देख सकता है। तो ये एक साइड से मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और आपने मेडिकल पे भी पढ़ा होगा या बहुत से साइंटिस्ट भी बताते हैं कि फिश खाने से आंखों की रोशनी बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। और आप लाइफस्टाइल को चेंज करें अगर आप इससे परेशान हैं तो, और अगर आपको ज़्यादा ही प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर के पास आकर संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ही हद से बाहर हो जाती बात तो फिर डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है। या तो सिर्फ होम ट्रीटमेंट रहता है, जो कि आप नेचुरली अगर आप इससे परेशान हो तो इसको यूज़ कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मुझसे चैट करने के लिए, मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम FB पे फॉलो कर सकते हो। थैंक यू वॉच माई वीडियो, सी यू अगेन।